नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ZRZ YouTube चैनल। आज मैं हूँ अमरोहा के कालेश्वरम मंदिर में और जो कि हमारे बाबा जी हैं, आपको कुछ दवाई बताना चाहेंगे और जो कि बहुत सारे मरीजों को जिन्होंने ठीक किया है और इनका कहना है कि जो मैं दवा बता रहा हूँ वो हर व्यक्ति को बताएं, दूर दूर तक पहुंचाएं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस मरज से पीड़ित है, मसलन शुगर से पीड़ित है या बवासीर से पीड़ित है, तो हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। जातिवाद का कोई बाउंड एंसर नहीं है, हमको हिंदुस्तान में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सबको भाई भाई कराना चाहिए। चूंकि मेरा नाम डॉक्टर आरिफ कुरैशी और मैं बात करा रहा हूँ आपके बाबा जी से, तो बाबा जी सर्वप्रथम तो आप अपना नाम बताइएगा। अमरोधा है ना, कालेश्वर धाम अमरोधा कानपुर बिहार, बिहारी जी नाम। तो अच्छा बाबा जी, जैसा कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग शुगर की दवा लेने आते हैं, तो आपने बताया कि आपके पास 5 पत्तियां हैं जो कि आपको शुगर में बहुत ही कारगर हैं और आप उनका इस्तेमाल करते हैं। चूर्ण बना के देता हूँ, चूर्ण जो है सभी सभी को फायदा करता है। तो कितने दिनों तक उस व्यक्ति को देना चाहिए इसका चूर्ण? अब जितने भी आ रहे हैं हम समय देते हैं, जैसे सुबह दी संध्या सुबह के लिए एक एक चम्मच खाए और उसको सुबह से फायदा हुआ। तो अच्छा, आपने मुझे ये बुला करके अपना इंटरव्यू देने के लिए ही बुलाया है यहाँ पर? हाँ, तो इसीलिए बुलाया है कि आप सभी लोगों को भक्तों तक मेरी आवाज पहुँच जाए। बिल्कुल, देखिएगा ये महाराज व्याके बिहारी जी हैं जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देख करके मुझे बुलाया, यही तो है सत्य? बस यही है। हाँ, तो आप शुगर की जो दवा बताते हैं, पूरी दुनिया में मेरे दोस्तों शुगर के बहुत ज्यादा मरीज हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप वो 5 पत्तियां बताएं जो आप शुगर के लिए देते हैं। शुगर के लिए धीरे धीरे बोलिएगा, नंबर एक क्या है? तुलसी। धीरे धीरे, तुलसी देशी है कि श्यामा तुलसी? तुलसी कई प्रकार, श्यामा तुलसी बेलपत्री, दो जमनी, जामुन का पत्ती, नीम, नीम की पत्ती, शरीफा। ये 5 पत्तियां ये दोस्तों एक बार फिर बताइएगा आप। जमनी सर सीधा करो, ज्यादा ऊंची करे हो आप, ऐसे सीधे करो सर। हाँ। क्या क्या देते हैं आप? तुलसी, बेल पत्ती, जमनी, जामुन, नीम, शरीफा। 5 पत्तियों का सेवन जो करते हैं सुबह शाम, शरीफा से आनंद ही आनंद मिलता है। तो ये कितने दिन तक उपयोग करे जो मरीज इसका? सही, जल्दी ठीक होंगे, जितने थोड़ा खाते रहेंगे तो आराम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, इसके परहेज के बारे में कुछ जानकारी देंगे? इसमें परहेज में मतलब खटाई वटाई थोड़ा कम खाते हैं, गुड़ कम खाते हैं, बस इसके बारे में कोई परहेज नहीं करा। अच्छा, तो आपने अब तक कितने मरीजों को ये दवा प्रदान की? मतलब कोई लिखित नहीं रहता है मंदिर में, जो आ जाता है। तो आप 1, 2, 3, 4 लोगों को पर डे तो देते? डेली ना? हा? तो दोस्तों ये देखिएगा, बाबा जी का कॉन्फिडेंस है। तो आप कितने दिनों से ये दे रहे हैं? हमें 3-4 साल हो गए, ज्यादा दिन तो नहीं, 4 साल से मैंने किया। अच्छा अच्छा, तो आप बवासीर में क्या देते हैं? बवासीर में बिरवा देते हैं। क्या नाम है बिरवे का? जलजीरा। उसका कोई दूसरा नाम? तो किस के साथ पिलाते हैं? पानी के साथ या दही? तो जलजीरा वही तो नहीं जो हमारे कपड़ों में लिपट जाता है उसको? दोस्तों महाराज जी चूंकि अपना इनका खुद का एक्सपीरियंस है और उस जलजीरे को किन किन नामों से जाना जाता है मैं आपको बता दूं। उसको जो कहते हैं आपामार्ग भी कहते हैं उसको, चिड़चिड़ा भी कहते हैं उसको, और दोस्तों उसको क्या क्या कहते हैं, अपामार्ग कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं, और बहुत सारे नामों से कहीं पर कुत्ता भी जल कहते हैं, तो कहीं पर कुछ कहते हैं। आपके क्षेत्र में किसी भी नाम से जानते हो अपामार्ग, मेन चीज हम लोग अपामार्ग कहते हैं उसको। तो अपामार्ग की पत्तियों को पीस करके आप पानी के साथ सुबह शाम 3-4 दिन पिला देंगे तो आपकी बवासीर खूनी। दवा में जारी की जड़, कटैया की जड़, बंगुर का बदला, अदरक, सौंठ, मिश्री, सबका मतलब
रंगन उतार करके सभी जनों को और फिर गोलियां बना के सांस लेने का। एक दफा फिर सांस की दवा बताएं। जारी की जड़ कितनी होनी चाहिए? अरे 100 ग्राम 50 ग्राम। हाँ, और बम्बुल का थोड़ा बकला हो 200 ग्राम। बम्बुल का बकला 200 ग्राम। और कटैया की जड़ 50 ग्राम। कंटकारी की जड़ जिसको भटकटैया कहते हैं। हाँ, भेड़ पर उसको कंटकारी कहते हैं। मतलब ये सोंठ 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 डाल रहे हो इसके बारे में मतलब सुन गए और बाद में मिश्री डालना पड़े तो कड़वा हो जाएगा और उसका रंगन अगर चुड़े के और बना के डाला फिर गोली बन जाती है। फिर वो सांस में संध्या सुबह एक एक गोली खाने से सांस में आराम होता है। तो ये कृपा भगवान बाबा की है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, परमात्मा की कृपा है, कालेश्वर जी की, राधा रानी की, जो ये दवाई काम कर रही है। वेरी गुड। तो दोस्तों ये थे यहाँ के संत मानी बांके बिहारी जी। तो आपने अभी तक ये 3 नुस्खे इस वीडियो में बताए हैं और मैं इसको पूरी दुनिया को के पास डालूंगा। क्या आप कहते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल पर इसको डाल दूं? बिल्कुल डाल दें। मुझे ऐसा है कि जो भी भक्त आएंगे, और मैं लेना देना भी नहीं किया किसी से, जो मैंने दवा दी सबको फ्री सेवा करता हूं। और ये उन लोगों से भी कहेंगे कि जो लोग इस दवा के जानकार हो जाएं वो फ्री दवा दें। हाँ, दवा दें। तो आपका मोबाइल नंबर है कोई? है। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। नंबर मुझे नंबर मारे लिखा तो बाद हमें नहीं दीजिएगा, फायदा है क्या? आपको निकालना।